करीब 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से रायगढ़ के लिए जिस रास्ते से रवाना हुए थे, उसी रास्ते से ठीक उसी तारीख पर आगरा से एक जत्था राजगढ़ के लिए रवाना हो गया है। कुल 5353 किलोमीटर लंबी यात्रा आगरा से शुरू होकर 13 दिन बाद राजगढ़ पहुंचेगी। इस यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं। आपको बता दें कि आगरा में छत्रपति शिवाजी की 100 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। आगरा किले के सामने स्थित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर बुधवार सुबह पुष्प अर्पित करते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा था, आगरा से शिवाजी महाराज की वीरता और कौशलता का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर एक ऐतिहासिक शिवाजी महाराज की 100 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। अगस्त 17, 1666 में शिवाजी महाराज जिस रास्ते से आगरा गए थे, उसी रास्ते से ये दल भी रवाना हुआ। रायगढ़ रवाना होने से पहले महाराष्ट्र से आए 100 सदस्यीय दल के कलाकारों ने शिवाजी महाराज के समय की युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए सभी को विस्मित कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा समाज गुना द्वारा आगरा से गरुड़ 6 मशाल यात्रा आ रही है, जो महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में पहुंचेगी। इसका आज 19 अगस्त शाम 4 बजे गुना आगमन होगा, जिसका मराठा समाज द्वारा भव्य स्वागत राजविलास होटल पर किया जाएगा। स्वागत के बाद मशाल यात्रा में बाइक रैली एवं पैदल चलकर यात्रा समाज बंधु शामिल होंगे। इस बारे में नितिन कदम मराठा ने बताया कि ये यात्रा गायत्री मंदिर से हनुमान चौराया, हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज होते हुए महाराष्ट्र समाज गोपाल मंदिर पर समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहेंगे मवालों द्वारा युद्ध कला, कर्तव्य एवं मैदानी खेल, तलवार, भाला, लाठी, काठी चलाने जैसे कार्यक्रम। उन्होंने सभी समाज बंधु से अनुरोध किया है कि इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएं।